मोटिव आज का था यहाँ मेला लगाने का, ये मोटिव था कि एक ही छत के नीचे सभी तरह की सुविधाओं का समाधान किया जाए। कस्टमर के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो हर छोटे से छोटे काम के लिए बार बार बैंक जाए, ठीक है। उसमें सपोज़ हमारा इंश्योरेंस किसी को ज़रूरत है, इंश्योरेंस के लिए अलग टीम बैठती है, कई बार यहाँ जगहों में नहीं होती, बड़े शहरों में होती है। लोन लेना है, एक्सपर्ट जो ओपिनियन चाहिए या एक्सपर्ट सलाह चाहिए कि लोन के लिए, वो कई बार छोटी ब्रांच में उपलब्ध नहीं होती। इस वजह से आज एक ही छत के नीचे सारी तरह के एक्सपर्ट जो हैं हमारे, चाहे पी सेगमेंट के लोन्स हैं, चाहे एग्री के, चाहे एसएमई लोन्स हैं, उनके लिए सारे आए हुए थे। प्लस उसके साथ हमारी इंश्योरेंस की सुविधा थी, चाहे वो एसबीआई लाइफ है, एसबीआई जनरल है, किसी भी तरह का इंश्योरेंस था। सारी तरह के प्रोडक्ट्स एक ही छत के नीचे मुहैया कराने का हमारा ये मेन मकसद था। लोगों के मन में एक यह रहता है कि बैंक मर्जर हुआ है, मर्जर के बाद पता नहीं हमारा एसबीआई के अंदर क्या सुनवाई होगी कि नहीं होगी। वो भी लोगों के मन से जो दुविधा थी उसको ख़त्म करने के लिए हमने आज ये उपराला किया है, ताकि लोग यहाँ सारी तरह की सुविधाएं एक ही छत के नीचे प्राप्त कर सकें। प्रोवाइड करा देता है फार्मर्स को, लेकिन फार्मर्स लोन पे नहीं कर पाता और सुसाइड कर लेता है। सर उसमें ऐसा है कि जो डाइवर्जन ऑफ फंड्स इज़ द मेन रीज़न, जो लोग पैसा जिस काम के लेते हैं अगर उस काम के लिए पैसा लगाएंगे तो कभी भी वो बिज़नेस ऐसा नहीं होगा कि बिज़नेस नहीं चलेगा। एक इंटेलिजेंट बोरर वही है कि जो सपोज़ उसने एक हाउस बनाने के लिए लोन लिया है, हाउस ना बनाते हुए गाड़ी ले ले, वो गलत है। जिसने किसी ने वर्किंग कैपिटल सीसी के लिए लोन लिया, उसको ना लेते हुए अपना या गाड़ी ले ले या मशीनरी परचेज कर ले, उसका अगर डेली रूटीन का काम करने के लिए उसके पास पैसा नहीं रहेगा तो मशीन क्या करेगी। ये चीज़ें इंस्पेक्टर साहब ने दसिया भी एक छत के थले अभी सारी सर्विस प्रोवाइड करी हैं। लोगों को यह रहेगा भी बैंक किस तरह की स्कीम्स, किहो जिहे प्रोडक्ट्स और हर तरह की सहूलत जी बैंक के लोगों को मिल सकती है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हर एक ब्रांच प्रोवाइड करा रही है, चाहे इंश्योरेंस का खेत्र हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे सोशल सैक्टर हो। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अज बैंक ने कैंप लगाया, ये सोच के भी पब्लिक को पता लग जाएगा भी स्टेट बैंक को कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, लोगों की जरूरत के मुताबिक वो अपनी हर एक चीज़ की जरूरत को पूरा करवा सकते हैं। देखो जेडे जरा जे अवेयरनैस कैंप लगाया है, ये बहुत ही फायदेमंद है। मैनू नहीं पता भी ये जेडे बाहर फॉरन भेजते भी 1.5 करोड़ रुपया देंदे है। इस तरह होर भी बहुत लोग ऐसे हो गए, जे तुसीं फॉरन स्टडी करन जाना ना, स्टडी लोन जिहड़ा इहनां दा, देखो हिंदुस्तान का सब तो वड्डा बैंक है, 1.5 करोड़ रुपया इमेजिन करना बड़ा देखो होर तरह लगता हैगा वै, पर दे प्रोवाइड 1.5 करोड़ रुपया। और मैं समझदा भी ये जिहड़ी अवेयरनैस है ये लोगों च होनी चाहिए है। और जो अज इन्होंने इत्थे आके जिहड़े इन्हां दे एरिया मैनेजर है उन्होंने जो इत्थे स्कीमां दसियां, आई थिंक जिहड़ी गल इन्होंने कही है भी जे एग्रीकल्चर लोन है तो एग्रीकल्चर च ही वरतो, जे तुसीं कोई कार लोन लिता तो कार लिए लो, फिर तो बहुत बेनीफिशियल है। जे आपां एग्रीकल्चर लैके लोन लैके अपनी कोठी बना लाँगे या कार लै लाँगे तो यह उदों लोन NPK हुंदा हैगा वै। सो मैं इस गल लई पूरा इस गल नूं समर्थन दिंदा भी जिस काम लई जे लोन लिता जाए, नाले एग्रीकल्चर लोन एग्रीकल्चर लई उन्ना की होना चाहिए जिदे लई एग्रीकल्चर हो, ना कि वह लैंड दे उत्ते उहदी वैल्यू उत्ते ज़्यादा दे के उन्हों उस तरीके नाल करना चाहिए। इस लोन मिलने से कस्टमर को भी फायदा है, अब हमें भी बहुत फायदा हुआ है। अभी तक हम 80 लोन 6 करोड़ रुपए का कर चुके हैं यहाँ पे। और भी सबसे अच्छी है कि कस्टमर को एक ही जगह सारी जानकारियाँ मिल रही है, साथ साथ हमने एक हेल्थ चेकअप भी लगाया है, लोगों को अवेयरनेस पता चलेगा कि क्या हाल है उनका, तो वो भी एक बेनिफिशियल होगा इसके लिए, इसलिए हमने इसका यहाँ पे अरेंज